स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, विपक्ष को लगी मिर्ची। बंगाल में भाजपा का वोट काटने मैदान में उतरेगा कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन, चुनाव से पहले माकपा महासचिव का बड़ा बयान। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम को नहीं मिली राहत, 19 जनवरी तक बढ़ी सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत। कोविड-19 से जंग में दुनिया भर में भारत की हो रही सराहना, बिल गेट्स और WHO ने की मेड इन इंडिया वैक्सीन की तारीफ। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्ट्रेन से मची खलबली, कैबिनेट की आपात बैठक के बाद लॉकडाउन का ऐलान, लोगों की बड़ी परेशानी। अब आइए रुख करते हैं पहली बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसके तहत उनके ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता को हरी झंडी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत बन जाएगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर मनीष, मैं चाहूंगी पहले आप दर्शकों को बताएं सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है क्या और क्यों इसके खिलाफ याचिकाएं दर्ज करवाई गई थी। देखिए, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो दरअसल इंडिया गेट से लेकर के विजय चौक तक, जहाँ पे हमारा संसद है, जहाँ पे हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन है, उस इलाके में नई संसद भवन का निर्माण होना है। साथ ही साथ इंडिया गेट से लेकर के जिस पे परेड आप देखते हैं, उसके साइड्स में जो जगह खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर केंद्रीय सचिवालय, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, अलग अलग मंत्रालय की बिल्डिंग्स बननी है। और इसे मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे जो बिल्डिंग्स जिसमें हमारे मंत्रालय काम कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी थी, और इसे बदलने की एक जो प्रयास, इसका जो सिलसिला शुरू हुआ, उसको लेकर के विपक्ष की पार्टियां बहुत दिनों से इसका विरोध कर रही है। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब ये तय हो गया कि मोदी सरकार फिर से जीत के आ गई और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब बिल्कुल ही काम तेजी से बढ़ाया जाएगा, तो इस पे कानूनी कार्रवाई, लोग कोर्ट पहुंच गए, लोग किसी तरीके से इसे रोकना चाहते थे, किसी ने बहाना बनाया कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, पॉल्यूशन होगा, लोगों का मूवमेंट रुकेगा, लेकिन इन सब के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक चुनी हुई सरकार है और इस चुनी हुई सरकार की नीति, पॉलिसी और वो किस दफ्तर में वो अपना काम करेगी, ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और इसलिए जो विपक्ष की तरफ से जो मुख्य जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई पैसे खर्च हो जाएंगे, इसमें प्रायोरिटी जो है वो सरकार की ठीक नहीं है, कोविड का समय है, इकॉनमी डाउन है, इतना सारा पैसा इन बिल्डिंग्स में खर्च करने से क्या फ़ायदा होगा, तो सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है, जो हकीकत भी है कि जो वर्तमान में जो हमारे जो मंत्रालय जो काम कर रहे हैं, ज़्यादातर वो किराए की बिल्डिंग्स में है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए सालाना हम खर्च करते हैं और उसे रोकना ज़रूरी है। लेकिन जो मिर्ची लगने की बात है वो इसलिए है कि ये प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, इसकी भव्यता ऐसी होगी कि जिसे आगे आने वाले 200-300 सालों तक लोग प्रधानमंत्री मोदी को याद रखेंगे, और इसमें गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और जिन जिन लोगों के नाम से हिंदुस्तान में बिल्डिंगें हैं अभी, उनके नाम नहीं होंगे। मिर्ची दरअसल यहां लग रही है जी। रुक करते हैं अगली खबर का। बंगाल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा को मात देने की तैयारी की जा रही है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि बंगाल चुनाव में वाम कांग्रेस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सत्ता विरोधी वोटों को भाजपा की ओर जाने से रोकना होगा। डॉक्टर मनीष, अब चुनाव से पहले ये कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन आखिर किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है? ये बयान अजीबोगरीब बयान है। छोटी सी छोटी पार्टियां चुनाव से पहले ये कहती हैं कि हम बहुत दमखम से चुनाव लड़ेंगे,
हम सरकार बनाएंगे, हम बहुमत लेकर के आएंगे, लेकिन ये दो नेशनल पार्टियां, ये जो वाम मोर्चा, ये जो पूरे देश भर में अपने आप को सत्ता परिवर्तन तो पता नहीं क्या क्या का दावा करती है, और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों गठबंधन में आकर ये बता रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, चुनाव से पहले ही इस गठबंधन ने हार को स्वीकार कर लिया है। और कह क्या रहे हैं ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो वहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी का एक जो फैक्टर होता है, लोग सरकार से जो नाराज़ हैं ममता से, उन वोटों को बीजेपी को ना मिले इसके लिए वो काम करेंगे। मतलब ये कि वो बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में घुसेंगे और ममता बनर्जी को जिताएंगे। मतलब ये कि बंगाल के चुनाव में ममता वर्सेस बीजेपी होने वाला है, और ममता बनर्जी की बी टीम की तरह ये कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा काम करने वाली है। और जो सबसे शर्मनाक पहलू उसका ये है कि ये वही वामपंथी पार्टियों का गठजोर है, ये वाम मोर्चा, जिन्होंने 35 साल तक बंगाल पे राज किया और आज एक साइड प्लेयर की तरह, एक बी टीम की तरह अब राजनीति करने मैदान में उतरी है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में भड़की 2020 की हिंसा से जुड़े मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शर्जील इमाम, उमर खालिद, देवंगना कलीता, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल समेत अन्य आरोपियों को राहत नहीं मिली है। सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर मनीष, आखिर क्यों इनकी न्यायिक हिरासत अब 19 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई है? देखिए, दिल्ली में जो दंगे हुए वो एक सुनियोजित दंगे थे। वो दंगे इसलिए भी सुनियोजित हैं, जिस तरह की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में जमा की है, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इन लोगों ने इस सीए के विरोध के नाम पे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे मुसलमानों को भड़काया, और दिल्ली में स्वयं इन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया, और एक प्लान के तहत इस तरह के रिकॉर्डिंग्स, इस तरह के वाचन और इस तरह के सबूत मिले हैं, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि कुछ स्थानीय लोकल लीडर्स और ये जो तथाकथित ये लेफ्ट लिबरल कबाली जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इन लोगों ने एक रोल प्ले किया है दिल्ली दंगों में, और दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई है, और इस वजह से इनके ऊपर ये आरोप काफ़ी संगीन है। इनको UAPA के तहत बाकायदा आरोपी बनाया गया है, इसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग कोर्ट के अंदर अपना बयान दे रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि हमें क्वारंटाइन कर दिया जाता है, बाकी लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जाता है, उमर खालिद की तरफ से ये कहा गया कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किस बात के लिए बंद किया गया है, हमारे ऊपर आरोप क्या है, हमें अभी तक चार्जशीट नहीं दिया गया है, तो आज इनकी न्यायिक हिरासत को तो बढ़ा ही दिया गया है, और उमर खालिद के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है कि उनको जेल के अंदर कंप्यूटर के ऊपर वो चार्जशीट दिखाने का मौका मिलेगा। अब आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कोविड-19 महामारी से जंग में भारत के कदमों की दुनिया भर में सराहना हो रही है। भारत में महामारी को खत्म करने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और WHO के महासचिव ने ट्वीट किया है। दोनों ने ही अपने ट्वीट के जरिए भारत का हौसला और ज्यादा बुलंद कर दिया है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से दुनिया भर में भारत के कदमों को लेकर सराहना की जा रही है वैक्सीन को लेकर, ये वाकई भारत के लिए एक गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लिए गौरव की तो बात है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तान के ऊपर आई है, क्योंकि हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाने की जो कैपेसिटी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल जो वैक्सीन हिंदुस्तान में है, हम उन टॉप 4 देशों में हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा वैक्सीन है, और अगले 2 महीनों में हम न सिर्फ हिंदुस्तान में लोगों की जान बचाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कई सारे गरीब मुल्क जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो वैक्सीन्स हैं उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम वैक्सीन पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, और इसलिए जो ग्लोबल एजेंसियां हैं वो भारत की ओर एक टक लगा करके देख रही है कि कितना जल्दी हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाने के बाद हम दुनिया में किस तरीके से इस कोविड के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसमें मदद करते हैं। और यकीन मानिए, आगे आने वाले दिनों में इस
कोविड के जो वैक्सीन, जो मेड इन इंडिया दो वैक्सीन हम लोगों ने ईजाद किए हैं हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, उससे हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाला है। चलिए अब बात करते हैं विश्व भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन की। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने ब्रिटेन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। देश में क्रिसमस के बीच कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद इसका ऐलान किया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ब्रिटेन में नए वेरिएंट के चलते मौत में 20% का इजाफा हुआ है। डॉक्टर मनीष, अब ये वाकई एक चिंता का विषय है। अभी तक कोरोना वायरस जिस तरह से हमने देखा फैल रहा है, अब इसका नया वेरिएंट आ गया, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और चिंता का विषय बनता जा रहा है। देखिए, कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, जो नया स्ट्रेन जिसको कह रहे हैं, कि ये दुनिया के कई इलाकों में अब पाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ केसेस निकले हैं, प्लस चीन से भी ये केसेस निकल रहे हैं, यूएस में निकल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत ब्रिटेन के लिए है। वहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि बहुत तेज़ी से लोगों की मौत हो रही है, और आज जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो एक खुलासा किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। वो कह रहे हैं कि भाई 60% जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, और इसलिए उसके लिए नए ढंग से लॉकडाउन और इसको एक्सटेंड किया जाएगा। कॉलेजेस, स्कूल, इन सबको बंद करने की बात हो रही है। प्लस ये बताया जा रहा है कि फरवरी तक ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस रेट से लोगों की मौत हो रही है वो पिछले वाले कोविड से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। एक तो ये तेज़ी से फैलता है और इसमें डेथ जो रेट जो है वो कहीं ज़्यादा है। हिंदुस्तान के लिए भी ये खतरे का संकेत है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये आ चुका है, और इसलिए लोगों को ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और इसलिए हम अपनी तरफ से ये गुजारिश करेंगे कि कोई इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने हाथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें हाथ पे, और मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि ये एक ऐसा कुचक्र चल रहा है जिसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।